हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। दिस इज रंजन और आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 1 डीसी नेटवर्क के सेकंड टॉपिक किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। जी हाँ, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने पिछले वीडियो में देखा था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखे थे, मैश एनालिसिस करना सीखे थे, अलग अलग स्टेप्स मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि कैसे आपको इंडिविजुअल स्टेप आइडेंटिफाई करना है, कैसे मैश आइडेंटिफाई करना है, हर सेक्शन में स्टेप्स अप्लाई करने हैं, और वहाँ पे हम लोगों ने तीन वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चंस को देखा हुआ था। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में, जो किरचॉफ्स का ही दूसरा लॉ है। और ये लॉ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि ये लॉ एंटायरली बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किरचॉफ करंट लॉ को कैसे स्टेट किया जाता है और इसके स्टेप्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, इसमें कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप कैसे काउंटर करेंगे मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे फेस करना है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या वैल्यू पूछा हुआ है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करना है, और एक और चीज़ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के बेसिक स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए किरचॉफ्स करंट लॉ का बेसिक स्टेटमेंट। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, किरचॉफ्स करंट लॉ मैंने लिख के रखा हुआ है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, वेयर इट कैन बी स्टेटेड एज अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये बेस करता है इंटायरली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहले ये समझते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इफ इट इज अ पॉइंट एंड वी आर हैविंग सम ब्रांचेस कनेक्टेड ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अगर कुछ ब्रांचेस कनेक्टेड है हमारे पास, एंड वी आर हैविंग सर्टन अमाउंट ऑफ करंट्स इन दैट ब्रांच, सो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि करंट सबसे पहले कितने टाइप की होती है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने KVL जब पढ़ा तो वहाँ इंपॉर्टेंट था कि हम पूरे वोल्टेजेस में डील कर रहे थे, तो हमको ये जानना जरूरी था कि वोल्टेज कितने टाइप के होते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि वन कंडीशन इज फॉर वोल्टेज राइज, सेकंड इज अ वोल्टेज ड्रॉप। एक वोल्टेज राइज की कंडीशन मिली, एक वोल्टेज ड्रॉप की कंडीशन मिली। वैसे ही यहाँ पता जब होना चाहिए हमको, जब हम करंट्स में डील कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि करंट्स कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के अंदर कि करंट्स बेसिकली हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप की हो सकती है, या तो किसी जंक्शन की ओर आती हुई करंट जिसको बोलते हैं इनकमिंग करंट, या उस पर्टिकुलर जंक्शन से करंट बाहर की तरफ जाती हुई, तो दैट करंट इज नोन एज आउटगोइंग करंट। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स और इन्हीं को हम इनके साइन कन्वेंशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इसका सम करते हैं हम तो दैट सम इज नोन एज दैट अलजेब्रिक सम जो वहां लिखा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। व्हाई दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, नेट चार्जेस प्रोड्यूस्ड फॉर द आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू द नेट चार्जेस प्रोवाइडेड इन द इनपुट। मतलब एक पॉइंट पे जितनी चार्जेस इनपुट आप देंगे, जितनी इनकमिंग चार्जेस होगी, एग्जैक्टली उतना ही आउटगोइंग चार्जेस भी आपको मिलेगा, चाहे कितनी भी ब्रांचेस हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ, एग्जांपल पे एक पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, और यहाँ से सारी करंट्स मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, I1, I2, I3, I4 एंड I5। देख सकते हैं आप सभी की डायरेक्शन, I1, I3, I4, दीज थ्री करंट्स आर इनकमिंग करंट्स, वेयर आर I2 एंड I5 आर आउटगोइंग करंट्स। तो जब कोई चार्ज किसी जंक्शन की ओर आ रहा है तो उस जंक्शन की पोटेंशियल को वो राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो इन दैट कंडीशन यू कैन असाइन अ पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन फॉर दैट काइंड ऑफ चार्ज, और जब कोई चार्ज उस जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है तो उस जंक्शन की पोटेंशियल को रिड्यूस करता जा रहा है। तो जब रिड्यूस कर रहा है, सो यू कैन असाइन अनदर पोटेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन, एंड देन इन दिस कंडीशन हम इसको एक्सप्रेस करते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो दिस इज ऑल KCL, ये KCL है, और यही एंटायरली बेस करता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर। और जनरलाइज्ड फॉर्म किसका है, ये ओम्स लॉ का जनरलाइज्ड फॉर्म है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब ये KCL किसी गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे, किसी गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट में सर्किट का एनालिसिस करने के लिए कैसे अप्लाई करें। ये तो हम समझ गए कि ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है सर्किट पे। सर्किट पे अप्लाई करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ जंक्शन एंड अ नोड। ये दो वर्ड्स होते हैं, जैसे लास्ट टाइम जब हम लोगों ने KVL पढ़ा था तो वहां मैंने आपको बताया था बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मैश एंड अ लूप, सो दैट कि जब भी ये वर्ड आपके सामने आए आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे समझना है, ये कौन सा वर्ड किस चीज के लिए स्टैंड करता है, आप डायरेक्टली एग्जैक्ट उसको इमेजिन कर सको। तो वैसे ही यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ जंक्शन एंड अ नोड। सो फॉर दैट लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल सर्किट। सपोज
ऐसा कोई मैंने सर्किट बना के रखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है द नंबर ऑफ जंक्शंस प्रेजेंट इन दिस सर्किट। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ जंक्शन आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज अ जंक्शन। सो लेट मी डिफाइन अ जंक्शन फॉर यू। अ जंक्शन इज अ पॉइंट इन एनी गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस कंबाइन। इसी का डेफिनेशन एक और है, इसी को एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि जंक्शन इज अ पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर द करंट डिवाइड्स। सर्किट का ऐसा पॉइंट जहां करंट डिवाइड हो जाए, दैट पॉइंट इज नोन एज अ जंक्शन। या दूसरा समझने का एक और तरीका है कि आप किसी पॉइंट, कोई भी सर्किट का ऐसा पॉइंट जहां तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस कंबाइन होती हैं, दैट पॉइंट इज आल्सो नोन एज अ जंक्शन। वेयर एज व्हाट इज अ नोड? अ नोड इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस कंबाइन। सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द करंट टू गेट डिवाइडेड इन द नोड। ऑल्दो करंट कैन डिवाइड ऑन अ नोड, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि करंट एक नोड पर डिवाइड हो ही जाएगी, लेकिन नोड हर उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस कंबाइन होते हैं। तो आइए देखते हैं इस सर्किट के अंदर। अगर इस सर्किट पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख दूं, सपोज इफ आई राइट इट एज पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ, इतने सारे पॉइंट्स मैंने क्रिएट कर दिए सर्किट में, तो अब आपके माइंड में आना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जंक्शन एंड नोड, कैन वी आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जंक्शन एंड नोड्स इन दिस सर्किट? यस, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई। चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड का डेफिनेशन मैंने क्या बताया आपको, इट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस शुड कंबाइन। सो देख लेते हैं, पॉइंट ए इज इट अ नोड? क्या हम इसको एक नोड बोल सकते हैं? देख सकते हैं, देखिए इस पूरे सेक्शन में ए से लेके एफ और एफ से लेके ई तक कोई भी एलिमेंट नहीं कनेक्टेड है यहाँ पे। सो दैट दिस पर्टिकुलर सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर मैं इस एफ को मिटा दूं यहां से, ये एफ जैसा कोई पॉइंट है ही नहीं यहां। सो नाउ आई कैन कनेक्ट पॉइंट ए डायरेक्टली टू पॉइंट ई। देन अगेन द क्वेश्चन इज सेम, इज पॉइंट ए अ नोड? नो, इट इज नॉट अ नोड। क्यों नोड नहीं है? क्योंकि देख सकते हैं आप पॉइंट बी से पॉइंट ई डायरेक्टली कनेक्टेड है, पॉइंट ए जैसा कोई सेक्शन है ही नहीं जहां दो ब्रांचेस कंबाइन होती हैं। तो मतलब ये कुछ ऐसा कनेक्शन है, इसको अगर मैं ऐसे मिटा दूं तो ये ऐसा दिखेगा आपको, दिस इज द कनेक्शन। ये डायरेक्ट कनेक्शन था, यहां कोई बीच में पॉइंट नहीं था। सो नाउ द क्वेश्चन इज देन वेयर आर द नोड्स? पॉइंट बी इज अ नोड, डेफिनेटली इट इज अ नोड। इट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू, आप देख सकते हैं तीन ब्रांचेस कंबाइन हो रही है यहां पे, सो दिस इज अ नोड। पॉइंट सी, यस इट इज ऑल्सो अ नोड, देख सकते हैं तीन ब्रांचेस कंबाइन हो रही है। नाउ व्हाट अबाउट पॉइंट डी एंड ई, इन दोनों में से कौन सा नोड है? तो इसको समझने के लिए आप सर्किट को थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे तो एकदम ईजिली समझ में आएगा। अगर मैं इस पोर्शन को मिटा देता हूं यहां से, तो मैं इस पूरी सर्किट को कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि एक कॉमन पॉइंट है जहां पूरी सर्किट कंबाइन हो रही है। सो बेसिकली इस सर्किट के अंदर आप बोल सकते हैं कि बी सी एंड डी देर आर ओनली थ्री नोड्स। नाउ व्हाट अबाउट द जंक्शंस? जंक्शन का मतलब एनी पॉइंट वेयर थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस कंबाइन। सो पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, दीज थ्री आर द जंक्शंस वेयर पॉइंट बी एंड सी आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल नोड्स। इन्हीं को प्रिंसिपल नोड्स बोलते हैं, और जब केसीएल अप्लाई करते हैं हम तो इन्हीं ऐसी एक्टिव जंक्शंस के ऊपर या प्रिंसिपल नोड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। वेयर एज पॉइंट डी इज ऑलवेज टेकन एज अ रेफरेंस नोड या रेफरेंस जंक्शन बोला जाता है इस पॉइंट को, जहां सर्किट से सारी जितनी भी करंट्स निकलती हैं बाहर की ओर, वो सारी इस पॉइंट पे आके हमारे पास कंबाइन होती है। इसको ग्राउंडेड भी किया जाता है कई बार। तो इस अकॉर्डिंग हमको आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन जंक्शन एंड नोड क्या होता है। तो जब हम केसीएल अप्लाई करेंगे, तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था मैश एनालिसिस पे अपने पुराने वीडियो में, तो मैश एनालिसिस में हमने देखा हुआ था कि उसको मैश एनालिसिस बोलते हैं, और वो लॉ कौन सा है? केवीएल। तो केवीएल को जब आप एनालिसिस सर्किट के एनालिसिस में अप्लाई किए तो बन गया मैश एनालिसिस। क्यों? क्योंकि आप मैश पे अप्लाई करते हैं उसको। सिमिलरली यहां पे जब ये हम केसीएल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसी को हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस मेथड। तो नोडल एनालिसिस में हमको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रिंसिपल नोड्स, व्हाट आर द नॉर्मल नोड्स। तो नोड्स के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करेंगे, और उस कंडीशन में आपको एक एक टर्म्स पता होने चाहिए। तो इस बेसिस पे हम इसको अप्लाई करने वाले हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे। तो आइए चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किसी न्यूमेरिकल पे जाने से पहले, किसी न्यूमेरिकल की वैरायटीज जानने से पहले, ये जान लेते हैं कि किसी भी सर्किट पे, किसी भी गिवन नेटवर्क पे एनालिसिस करने के लिए हमको केसीएल अप्लाई करने के लिए कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो मैं आपके लिए स्टेप्स लिखने वाला हूं सारे के सारे, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन से। तो आइए चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर वन से शुरू करते हैं। आइए तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा हुआ है सारे स्टेप्स फॉर सॉल्विंग, कि किसी भी न्यूमेरिकल पे अगर आपको केसीएल का यूज करके आपको ये डिजायर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से बेसिक स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ जैसा कि मैंने लिख के रखा हुआ, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ पूरे के पूरे स्टेप्स को। सो स्टेप नंबर वन इज आइडेंटिफाई
द प्रिंसिपल नोड्स और जंक्शंस प्रेजेंट इन द नेटवर्क. तो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रिंसिपल नोड्स या एक्टिव जंक्शंस को आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट स्टेप, असाइन अ जंक्शन पोटेंशियल ऑन ईच जंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द असाइन रेफरेंस जंक्शन हैविंग अ वैल्यू वी नॉट इक्वल टू जीरो वोल्ट. ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है. क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जैसे सबसे पहला काम ये करना है कि प्रिंसिपल जंक्शन या प्रिंसिपल नोड्स अप्लाई करना है, आइडेंटिफाई करना है. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि हमको मैश एनालिसिस करना था, तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, मैश आइडेंटिफाई किया. यहां हमको क्या एनालिसिस करना है, वी आर गोइंग टू हैव अ नोडल एनालिसिस. ये नोडल एनालिसिस हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहला काम करिए, सारे नोड्स अप्लाई कीजिए, सारे नोड्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए. नोड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू आइडेंटिफाई द जंक्शन पोटेंशियल ऑन ईच जंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू असाइंड रेफरेंस जंक्शंस हैविंग वैल्यू वी नॉट इक्वल टू जीरो वोल्ट. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग नोडल एनालिसिस में हर एक नोड्स के, हर एक प्रिंसिपल नोड पे हम लोग एक वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं, या हर एक जंक्शन के ऊपर आप बोल सकते हैं कि एक वोल्टेज अप्लाई करने वाले, असाइन करने वाले हैं. तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं उस जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू. तो अगर आपको वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का एक डेफिनेशन पता होगा, तो आप उससे बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कभी एक पॉइंट पे नहीं होता है. आप देख के ही समझ सकते हैं इस चीज़ को, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे होंगे, आपको उसका डेफिनेशन मिल जाएगा वहाँ पे, कि वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है और आप हर एक जंक्शन पे एक एक पॉइंट पे बोलते हैं कि इस पॉइंट की वोल्टेज इतनी है, तो वो स्टेटमेंट अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा. तो स्टेटमेंट सही कब होगा, जब दो पॉइंट्स होंगे. तो सेकंड पॉइंट कौन सा होगा, जब आपने एक जंक्शन का पोटेंशियल अज्यूम किया हुआ है, तो वो जरूर किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए. तो अगर वो किसी के रिस्पेक्ट में है, तो किसके रिस्पेक्ट में है, वो इस रेफरेंस वैल्यू के रिस्पेक्ट में है. तो एक रेफरेंस जंक्शन हमको चाहिए होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करके आपको दिखाया था कि जो लोअर सेक्शन थे जहाँ मैंने सारी ब्रांचेस को एक साथ कंबाइन किया, जिसको ग्राउंडेड कर देते हैं हम लोग, वही पॉइंट होता है रेफरेंस जंक्शन का. वहीं पे हम अज्यूम करते हैं कि देयर इज अ रेफरेंस वोल्टेज वी नॉट, और उसकी वैल्यू हर बार जीरो अज्यूम की जाती है. क्यों जीरो अज्यूम की जाती है, सो दैट कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आपके पास एक वैल्यू आएगी एक पोटेंशियल की, तो अगर मैं इसको जीरो ना अज्यूम करके 10 अज्यूम कर लूँ, 20 अज्यूम कर लूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा. तो जो वैल्यू आपने सॉल्व करके निकाला, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले आप इसकी वैल्यू को, फिर जो बचेगा वो आप बोलेंगे कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल है. तो ऐसा कुछ ना करना पड़े, इसलिए हम लोग पहले इस रेफरेंस सेक्शन की वैल्यू जीरो रखते हैं. अगर आप टेक्निकली देखें इस चीज़ को, तो हम उस ब्रांच को पर्टिकुलरली ग्राउंडेड करते हैं, इस कारण से इसकी वैल्यू को जीरो रखा जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. Assuming all the currents in outgoing direction from each junction form the KCL equation. देखिए, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि KCL में important task is to identify the direction of current. आपको ये पता होना चाहिए कि current incoming है या outgoing है. तो जब आप किसी question को solve करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर branch में आपको current source बना के दिया हो. आपको current source खुद से बनाना पड़ेगा. कैसे, Ohm's law का use करके. Current source नहीं, उस branch की current निकालनी पड़ेगी आपको by using the Ohm's law. I is equals to V upon R use करेंगे आप वहाँ पर. तो प्रॉब्लम वहाँ पे ये जाएगी कि आपको तब करंट की डायरेक्शन पता नहीं रहेगी. अगर करंट की डायरेक्शन नहीं पता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना है. तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने पहले ही अज्यूम करके रखा हुआ है कि सारी की सारी करंट उस पर्टिकुलर जंक्शन से सारी ब्रांचेस से होते हुए बाहर की तरफ जा रही है, आउट गोइंग है. फिर उसके बाद जो उसकी वैल्यू आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी साइन कन्वेंशन पे वर्क करेंगे. उसके अकॉर्डिंग उसकी साइन कन्वेंशन हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव रखेंगे. लेकिन पहले तो यही अज्यूम करेंगे कि सारी करंट जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है, आउटगोइंग डायरेक्शन में. देन इसके बाद सॉल्व द इक्वेशंस एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जंक्शन पोटेंशियल. तो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो KCL इक्वेशन बना लेंगे सबसे पहले जनरलाइज्ड फॉर्म ओम्स लॉ के. तो ओम्स लॉ के फॉर्म में हर ब्रांच की करंट निकालेंगे, वी बाई आर के फॉर्म में अगर डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो. देन उसके बाद सारे इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास सारे इंडिविजुअल जंक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू आ जाएगी. तो हर जंक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास आ गई. अब लास्ट स्टेप में फिर उसके बाद जाएंगे, बाय यूजिंग द इंडिविजुअल जंक्शन पोटेंशियल्स देन वी विल कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. तो क्वेश्चन में जैसे जो भी पूछा हुआ है, अगर करंट पूछा हुआ है किसी ब्रांच का, किसी सेक्शन का पावर निकालने को पूछा हुआ है, किसी सेक्शन का वोल्टेज पूछा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दीज जंक्शन पोटेंशियल्स. तो ये तो हैं बेसिक पांच स्टेप में मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है. आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं. तो ये बेसिक पांच स्टेप है जिसको अगर आपने ध्यान में रखा हुआ है, तो आप डेफिनेटली किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि KCL में कितने वैरायटी के न्यूमेरिकल होते हैं और उसको कैसे काउंटर किया जाए. तो मैं अभी दोनों वैरायटी, बेसिकली दो वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं KCL में, दोनों वैरायटी आपको बोर्ड में पहले दिखाता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर. तो देख सकते हैं, सबसे पहले टाइप वन की बात करता हूँ मैं. न्यूमेरिकल ऑफ टाइप वन, एक बेसिक सा सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. आप जब दोनों सर्किट्स को देखेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करते बनेगा बहुत ईजिली
कि दोनों में खास डिफरेंस है क्या। तो ये हमारा टाइप वन का क्वेश्चन, और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप टू क्वेश्चन जो हम डील करेंगे। टाइप टू क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं, बस छोटा सा एक डिफरेंस है, जो केवीएल पढ़ने के समय एक डिफरेंस हम लोगों ने देखा था टाइप वन और टाइप टू क्वेश्चंस में, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही कुछ डिफरेंस है यहाँ पे भी। अभी आपको आइडेंटिफाई करते बन जाएगा कि क्या खास डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड में मैंने अभी अभी ड्रॉ किया हुआ है दो टाइप के क्वेश्चंस, टाइप वन न्यूमेरिकल, टाइप टू न्यूमेरिकल। केसीएल के अंदर बेसिकली नोडल एनालिसिस में ये दो वैरायटी के न्यूमेरिकल आपको काउंटर करने होते हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, आपको ऐसे दो बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल्स बनाने बिल्कुल आने ही चाहिए। तो टाइप वन की खासियत क्या है, टाइप वन में आप देख सकते हैं इस पूरी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्सेस, बस यही सारी चीज़ें लगी हुई है। इनके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है, सिर्फ दो एलिमेंट्स का यूज़ करके हमने पूरी सर्किट को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। वेयर एज इन टाइप टू सर्किट्स वी आर हैविंग अ करंट सोर्स ऑल्सो। टाइप टू की खासियत यही कि यहाँ पे आप करंट सोर्स भी आ जाएगा, करंट सोर्स किसी भी ब्रांच के अंदर हो सकता है, तो उसको कैसे डील करना है। तो ये दो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पे हम डील करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा एक एक क्वेश्चन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपको उसके प्रैक्टिस करते भी बने और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, इन बेसिक सारे के सारे स्टेप्स को अप्लाई करना भी आप सीख जाओ साथ ही साथ। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे टाइप वन के एक सिंपल से न्यूमेरिकल से, एक सिंपल से सर्किट का एनालिसिस करेंगे हम लोग, एक क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी इंपॉर्टेंट बोर्ड का, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन, डेफिनेटली वही क्वेश्चन होगा। लेकिन टाइप वन थोड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, तो देखेंगे कि इसको कैसे डील करना है, इस पर हमको कैसे अप्लाई करना है इन सभी के सभी स्टेप्स को। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, टाइप वन न्यूमेरिकल फॉर केसीएल। तो आइए चलिए देखते हैं केसीएल के सबसे पहले टाइप के न्यूमेरिकल को। जैसा कि मैंने बात किया हुआ था वैरायटी वन न्यूमेरिकल के अंदर, इसकी खासियत ये होगी आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ आपको एक रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स, दो बेसिक टाइप के एलिमेंट्स दिखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के किसी यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और उसी के साथ बिल्कुल सिंपल एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये, जिससे कि हमको अपने सारे स्टेप्स जो हम लोगों ने इससे पहले देखे हुए थे केसीएल के, उसको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे हम इसके साथ। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन इज फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर यूजिंग केसीएल। सो केसीएल अप्लाई करना है आपको, और इस 3 ओम रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट पास हो रही है वो आपको कैलकुलेट करना है। सो आइए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 से। पहला स्टेप याद कर लीजिए, अगर आपने कहीं पर लिख के रखा हुआ है इसको तो आप पढ़ सकते हैं इसको, नहीं अगर लिख के रखा हुआ है आपने इसको मेमोराइज कर लिया तो आप बिल्कुल इसको सोच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रेजेंटेशन कैसे रखना है ऐसे क्वेश्चंस का, क्योंकि सही बनाना जितना ज़रूरी है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस में बनाएं, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करें न्यूमेरिकल को। तो आइए सबसे पहला काम ये करते हैं, एज पर आवर स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में हम लोगों ने लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जंक्शंस प्रेजेंट इन द सर्किट। तो सर्किट में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आइडेंटिफाई करना है कितने एक्टिव जंक्शंस दिखते हैं हमको यहाँ पे, या कितने प्रिंसिपल नोड्स दिखते हैं हमको यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप प्रिंसिपल नोड्स या जंक्शंस की बात करें तो जंक्शन नंबर 1 आपको इस पॉइंट पे दिख रहा है। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, अगर आपको ये लगता है कि ये फर्स्ट पॉइंट में यहाँ कोई जंक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ कोई जंक्शन नहीं है। जंक्शन की डेफिनेशन एक बार फिर से आप याद कर सकते हैं कि इट इज़ अ पॉइंट वेयर 3 or more than 3 ब्रांचेस कंबाइन। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रांचेस हैं सिंगल, तो आप इसको जंक्शन नहीं बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप देखेंगे तो डेफिनेटली दिस पॉइंट इज अ जंक्शन, आप बोल सकते हैं दिस इज अ जंक्शन। सो एज पर आवर स्टेप नंबर 1 हमने इसको बता दिया कि दिस इज अ जंक्शन। एज पर आवर स्टेप नंबर 1 दिस पोर्शन इज ऑल्सो अ जंक्शन, दिस पॉइंट इज ऑल्सो अ जंक्शन, दो जंक्शन दिख गए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारे पॉइंट्स भी जंक्शन है, तो एक बार क्विकली मैं आपको दिखा दूँ ये सर्किट थोड़ा दूसरे तरीके से, थोड़ा आप देखने का तरीका चेंज करेंगे तो इस सर्किट को कुछ ऐसे भी आप ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पे कोई इतना करना कुछ भी नहीं है, बस आपको सेक्शन को हटाना है और इन सभी पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देना है। अब देखिए बन गया एक सिंगल जंक्शन यहाँ पे, तो वो अलग अलग पॉइंट नहीं थे, वो सब एक ही पॉइंट है। वो सर्किट को बनाने का तरीका ऐसा है कि आपको वो अलग अलग पॉइंट दिखेगा। तो मैं इसको नॉर्मली ड्रॉ कर देता हूँ जैसा कि पहले ड्रॉ था ये, तो जैसा एग्जाम के क्वेश्चन में ही आया हुआ है सेम टू सेम बिल्कुल इसको वैसे ही बना रखते हैं। तो अब आपको करना ये है कि जब आपने दो प्राइमरी जंक्शंस या प्राइमरी नोड्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आपको ये करना है कि इस पर रेफरेंस पॉइंट्स असाइन करने हैं। रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमको, क्योंकि हमको इन दो पर्टिकुलर जंक्शंस पे वोल्टेजेस असाइन करना है, हमको इस दो पॉइंट की वोल्टेजेस निकालनी है। तो चलिए सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इन दो पॉइंट्स पे सबसे पहले हम कुछ वोल्टेज लिख देते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट की जंक्शन पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट की जंक्शन पोटेंशियल है VB। आप V1 V2 भी असाइन कर सकते थे इसको। तो इन दोनों पॉइंट्स की हम लोगों ने पोटेंशियल्स को असाइन कर लिया।
हम लोगों ने मान लिया कि इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल्स वी ए और वी बी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि वोल्टेज तो किसी एक पॉइंट पे हो नहीं सकती है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? वी नॉट, जो हम अभी अज्यूम करेंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं जीरो। क्यों जीरो रखते हैं? इसका कारण आपको पता है। तो अब अगर इसकी पोटेंशियल मैंने वी नॉट रख दिया, तो अब करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप पे चलते हैं सीधे, स्टेप नंबर थ्री। सो एज पर आवर स्टेप नंबर थ्री, वी नीड टू असाइन ऑल द करंट्स इन आउटगोइंग डायरेक्शन फ्रॉम ईच जंक्शन एंड देन वी नीड टू फॉर्म अ केसीएल इक्वेशन। तो हर एक जंक्शन पे हमको करंट की डायरेक्शन आउटगोइंग रखते हुए केसीएल का इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सपोज फॉर जंक्शन ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई वन फॉर ब्रांच वन, आई टू करंट फॉर ब्रांच टू एंड देन आई थ्री करंट फॉर ब्रांच थ्री। तीन ब्रांचेस, तीन करंट्स, तीनों करंट्स को मैंने आउटगोइंग अज्यूम करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको उल्टा भी अज्यूम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इनकमिंग भी अज्यूम कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अजम्पशन इज अजम्पशन, आप बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं इस चीज़ को। मैं जैसे सॉल्व करता हूँ, मेरा बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं जैसे बनाता हूँ, आई ऑलवेज यूज टू अज्यूम ऑल द करंट्स इन आउटगोइंग डायरेक्शन। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब सारी करंट्स को मैंने आउटगोइंग डायरेक्शन में अज्यूम करके रखा हुआ है। अब करना क्या है? एज पर केसीएल वी ऑल नो दैट द समेशन ऑफ या द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो करंट को इनकमिंग और आउटगोइंग के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बाइफरकेट कर लें अलग अलग पार्ट्स में, तो इनकमिंग करंट्स को अगर मैं सारी की सारी सबको पॉजिटिव अज्यूम करने लग जाऊं और आउटगोइंग करंट्स को नेगेटिव अज्यूम करने लग जाऊं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे करना क्या है कि मुझे केसीएल इक्वेशन बनानी है। और केसीएल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे आई वन, आई टू और आई थ्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। देन आई विल सम ऑल दीज थ्री वैल्यूज एंड देन देयर टोटल सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यही होगा केसीएल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर सपोज आई वन की वैल्यू मुझे चाहिए, तो आप देख सकते हैं आई वन इज अ करंट दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम वी ए अप टू वी नॉट। वी नॉट के बाद ये डिवाइड हो गई, अब ये दूसरी करंट बन गई। तो अगर मुझे I1 की करंट की वैल्यू चाहिए, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली तो अवेलेबल है नहीं। आप देख सकते हैं कोई करंट सोर्स नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो करंट कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज I इज इक्वल टू V बाई R। ये तो यूज कर सकते हैं। इस जंक्शन की पोटेंशियल है, इस सेक्शन की पोटेंशियल है, और बीच में एक वोल्टेज सोर्स है। सारे पोटेंशियल्स भी हैं, पोर्शन के अंदर का रेजिस्टेंस भी उस पर्टिकुलर ब्रांच का। तो सारी पोटेंशियल्स और रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर मैं वैल्यू लिखूं, तो उस ब्रांच की करंट मुझे मिल जाएगी। एग्जैक्टली इसी सेम आइडेंटिटी को अगर मैं लगा दूं यहां पे, तो मैं लिख सकता हूं आई वन इज इक्वल टू, अब देखते हैं आई वन को मैंने आउटगोइंग अज्यूम किया हुआ है, इसका मतलब ये इनिशिएट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है किस पॉइंट से? वी ए पॉइंट से, डेफिनेटली ऑन हायर पोटेंशियल। अगर ये हायर पोटेंशियल पे है, तो मैंने लिख दिया प्लस वी ए। और ये कहां पे एंड हो रही है? इसकी एंडिंग पॉइंट वी नॉट। अगर ये हायर पोटेंशियल पे, तो डेफिनेटली वी नॉट मस्ट बी ऑन अ लोअर पोटेंशियल। देन 6 वोल्ट सोर्स, अब बीच में पड़ा 6 वोल्ट का सोर्स, देख लेते हैं इस पे करंट की डायरेक्शन क्या है। ये हमारे करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, अपनी I1 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो आपको याद होगा कि वेन एवर अ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, देन दैट पर्टिकुलर सोर्स कैन बी नोन एज और कैन बी कॉल्ड एज अ वोल्टेज ड्रॉप। ये कंडीशन वोल्टेज ड्रॉप की होती है यहाँ पे। तो ये 6 वोल्ट सोर्स इज एक्टिंग एज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 6 वोल्ट। ये हो गई सारी की सारी वोल्टेज सोर्सेस, एंड देन रेजिस्टेंस दैट इज 6 ओम। सो नाउ इट इज एंटायरली वी बाई आर दैट इज इक्वल टू आई, और ये हो गया आई वन ब्रांच करंट की वैल्यू। सिमिलरली हमको आई टू और आई थ्री भी ऐसे कैलकुलेट करना है। तो इसको ऐसे ना लिखते हुए, चूंकि हमको सारी करंट्स का सम वैसे भी करना है, तो डायरेक्टली इन सभी को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा और थोड़ा सिस्टमैटिक भी दिखेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? अप्लाइंग KCL एट जंक्शन ए। सबसे पहला काम करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो अप्लाइंग मैश एनालिसिस ऑन मैश वन मैश टू ऐसा लिखा करते थे। इस बार जंक्शन एनालिसिस कर रहे हैं, नोडल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग KCL एट जंक्शन ए बी सी व्हाटएवर जंक्शंस। सो राइट नाउ वी हैव रिटन इट एज अप्लाइंग KCL एट जंक्शन ए, और लिखते हैं इक्वेशन सबसे पहले आई वन के लिए। तो यहाँ मैंने लिखा वी ए माइनस वी नॉट माइनस सिक्स अपॉन सिक्स प्लस। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ आई टू। आई टू की वैल्यू देख सकते हैं, वी ए ओरिजिनेटेड फ्रॉम वी ए एंडिंग एट वी नॉट इज द करंट आई टू। सो फॉर आई टू वी कैन राइट इट एज वी ए माइनस वी नॉट अपॉन, एक ही रेजिस्टेंस है 3 ओम का, तो डिवाइड बाई 3 प्लस नेक्स्ट करंट आई थ्री। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनेट होती है वी ए से, यानी हायर पोटेंशियल पे अभी वी ए है, और एंडिंग हो रही है एट वी बी। आफ्टर वी बी इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सो वी कैन राइट इट एज वी ए माइनस वी बी। एक और वोल्टेज सोर्स दिख रहा है 5 वोल्ट का, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं करंट इज एंटरिंग एट अ लोअर पोटेंशियल,
leaving at a higher potential. So from lower to higher section, this is a condition of voltage rise, therefore plus 5 upon 2 is equal to 0. ठीक, आप बोल सकते हैं पहला इक्वेशन बन गया, लेकिन अभी नहीं बना है पहला इक्वेशन, जब तक आप एलसीएम नहीं निकालेंगे और सारी सेक्शंस को अननोन्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक नहीं बना पहला इक्वेशन. तो सबसे पहला काम करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं इस पूरे सेक्शन का. इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं, सो इट इज 6. सॉल्व कर देते हैं सबको, वी कैन राइट इट एज वी ए माइनस वी नॉट माइनस 6 प्लस 2 वी ए माइनस 2 वी नॉट प्लस 3 वी ए माइनस 3 वी बी प्लस 15 इक्वल्स टू 0. देखिए अभी तो ये पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसलिए आपको ऐसे वी नॉट लिखना ज़रूरी हो जाता है. नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि वी नॉट की वैल्यू 0 ही रखी हुई है, तो आपको जब जल्दी सॉल्व करना होगा न्यूमेरिकल, जब आप यूज टू हो जाएंगे इस चीज़ के, तो बार बार आपको यहाँ से वी नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट अल्टीमेटली वी नॉट इज 0 ओनली, सो वी डोंट नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन. सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वी ए माइनस 6 प्लस 2 वी ए, इस अकॉर्डिंगली आप पूरा इक्वेशन बना सकते हैं. तो आइए कंटिन्यू करते हैं इसको आगे. 6 बिकेम 0 ऑन दैट साइड. रिमेनिंग सेक्शंस में वी ए और वी बी के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं. वी नॉट इज ऑलरेडी 0, सो वी कैन राइट इट एज फॉर वी ए वी कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो वी कैन राइट इट एज 6 वी ए. देन फॉर वी बी वी आर हैविंग ओनली वन वैल्यू, दैट इज माइनस 3, therefore it is minus 3 VB, it is minus 3 VB, और जो constant terms है उनको equal to के उस side भेज दिया अगर, तो it is minus 6 and plus 15, that is minus 9. This is our equation number 1. First equation बन चुकी है यहाँ पे. Same work करना है हमको junction B के ऊपर भी, और बनानी है बिल्कुल ऐसी की ऐसी एक इक्वेशन. तो आइए देखते हैं कैसा होगा जंक्शन बी का इक्वेशन. जंक्शन बी अगेन सेम वर्क करना है हमको. अब यहां से हमको अज्यूम करना है कि जितनी भी ब्रांचेस है सारी की सारी करंट सब आउटगोइंग डायरेक्शन में, तो करंट I1, I2, I3 पहले ही अज्यूम कर रखा है, तो अब क्या अज्यूम करना चाहिए हमको, करंट I4 आउटगोइंग डायरेक्शन में, करंट I5 एंड आउटगोइंग डायरेक्शन में करंट I6. आपके ऊपर है ये सारी नेमिंग्स, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. IA, IB, IC भी लिख सकते थे आप इसको, ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे नेमिंग अज्यूम कर सकते हैं इनकी. तो सारी करंट्स को मैंने आउटगोइंग डायरेक्शन में अज्यूम करके रखा हुआ है. आइए शुरू करते हैं सबसे पहले I4 से. लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि हमको फिर से लिखना होगा अप्लाइंग KCL एट जंक्शन बी. अब जंक्शन बी पे KCL अप्लाई करते हुए, सो नाउ फर्स्ट ब्रांच करंट जो जंक्शन बी से निकलती है दैट इज I4. I4 के लिए आप देख सकते हैं ओरिजिनेटेड फ्रॉम जंक्शन बी, दैट मीन्स वी बी मस्ट बी ऑन अ हायर पोटेंशियल, और जिसकी तरफ ये जा रही है दैट इज वी ए, यानी एंडिंग पॉइंट इज वी ए, सो दिस मस्ट बी ऑन अ लोअर पोटेंशियल, एंड वी कैन राइट इट एज I4 इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए. इन दोनों सेक्शंस के बीच में एक और वोल्टेज सोर्स है, दैट इज 5 वोल्ट का सोर्स. करंट की डायरेक्शन आप देखेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I4, दैट इज एंटरिंग ऑन अ हायर पोटेंशियल एंड लीविंग ऑन अ लोअर पोटेंशियल, सो वी विल राइट इट एज माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2. दिस वॉज फॉर I4. नाउ फॉर I5 वी विल हैव टू राइट इट एज वी बी माइनस वी नॉट अपॉन 4, वी बी माइनस वी नॉट अपॉन 4, और लास्ट करंट I6 वी कैन राइट इट एज वी बी माइनस वी नॉट माइनस 10, VB minus V naught minus 10 upon उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 equals to 0. ठीक है, तो करना क्या था हमको, इंडिविजुअल जंक्शन से जितनी भी ब्रांचेस हैं सबके सब ब्रांचेस पे कितनी करंट्स हैं उन सबको ओम्स लॉ के फॉर्म में V by R के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. क्यों एक्सप्रेस किया, क्योंकि डायरेक्टली नहीं गिवन थी करंट. अगर डायरेक्टली गिवन होती तो काम आसान हो जाता, तब ऐसा एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता, सीधे करंट की वैल्यू लिखते उसकी डायरेक्शन को देखते हुए हम लोग. अब क्या करना है नेक्स्ट वर्क, अब हमको इसका एलसीएम लेके फिर से सॉल्व करना है जैसे अभी जस्ट किया हुआ था पिछले इक्वेशन में. इसका एलसीएम निकाला 4. नाउ सॉल्विंग द वैल्यूज इट बिकेम 2VB माइनस 2VA माइनस 10 प्लस VB. अब मैं वी नॉट नहीं लिखूंगा यहां पे क्योंकि वी नॉट इज ऑलरेडी 0, तो अभी तक आप समझ गए होंगे बार बार वी नॉट लिखने की जरूरत नहीं है हमको यहां पे. सो वी विल डायरेक्टली राइट VB माइनस 10 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0. ठीक है, 4 को उस साइड भेजा हम लोगों ने, और VA VB के फॉर्म में अलग अलग कर लेते हैं, बाइफरकेट करते हैं इक्वेशन को. तो सबसे पहले
सिक्वेंशली अगर अरेंज किया तो वी ए का एक ही टर्म दिख रहा है माइनस टू वी ए, और वी बी के कितने टर्म दिखते हैं, देखते हैं टू एन वन थ्री एन वन फोर, सो वी कैन राइट इट एज प्लस फोर वी बी इज इक्वल टू, अब सारे कॉन्स्टेंट टर्म्स को हमको उस साइड भेजना है, तो देखते हैं कितने माइनस टेन एन माइनस टेन दैट इज माइनस ट्वेंटी, बस इतने ही है, इक्वल टू के उस साइड भेजा तो इट बिकेम प्लस ट्वेंटी एंड दिस इज नाउ आवर इक्वेशन नंबर टू। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि KCL अप्लाई करना कितना ईजी है, और आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे स्टेप्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियर हो। शुरुआत में ही किसी क्वेश्चन के आपको आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि कितने जंक्शंस हैं और सभी से करंट बाहर की तरफ जा रही है आउटगोइंग डायरेक्शन में, और बस आपको सिंपली ओम्स लॉ अप्लाई करते जाना है, ये इक्वेशन अपने आप बनते चले जाएंगे। तो एक बार ये सारे के सारे इक्वेशन बन गए तो अब नेक्स्ट वर्क, अगले वर्क पे चलते हैं। तो सेम काम जो KVL में किया हुआ था हम लोगों ने, अब हमको क्या चाहिए, अननोन्स की वैल्यू। अननोन्स क्या क्या है यहाँ पे, वी ए एंड वी बी, देर आर टू अननोन्स, और इन दोनों अननोन्स के लिए दो इक्वेशन भी है। दोनों इक्वेशन को आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहला हमारा इक्वेशन नंबर वन वेयर वी आर हैविंग इट एज सिक्स वी ए माइनस थ्री वी बी इक्वल टू माइनस नाइन, एंड देन इक्वेशन नंबर टू इज माइनस टू वी ए प्लस फोर वी बी इक्वल टू ट्वेंटी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज कितनी मिलती है, तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद वी कैन राइट इट एज द वैल्यू ऑफ वी ए विल बी 1.333 वोल्ट्स एंड वैल्यू ऑफ वी बी विल बी 5.666 वोल्ट्स। आप इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे, चाहे आप एलिमिनेशन से सॉल्व करें, आप अपने कैलकुलेटर्स में सॉल्व करें, तो आपको वी ए वी बी की ये दोनों वैल्यूज भी मिल जाएंगी यहाँ से। तो मतलब अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ चुकी है, मेरे पास इन दोनों पोटेंशियल्स की, इन दोनों जंक्शंस की पोटेंशियल्स आ चुकी हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में हमको कुछ और ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर यूजिंग KCL, करंट की वैल्यू पूछा हुआ है, और हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, पोटेंशियल्स। ये दोनों जंक्शन पोटेंशियल्स है, और किसके रिस्पेक्ट में, वी नॉट के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस जंक्शन के रिस्पेक्ट में वी ए की वैल्यू 1.333 वोल्ट्स, और वी बी की वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस सेक्शन के रिस्पेक्ट में 5.666 वोल्ट्स। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अब हम लोग इन दोनों का यूज कैसे करें इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, इस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है, आपके पास जंक्शन पोटेंशियल आ चुका है, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि 3 ओम रेजिस्टेंस से कौन सी करंट जा रही है। देख सकते हैं आप सभी बोर्ड की तरफ कि यहाँ पे आपको I2 लिखा हुआ दिख रहा होगा, I2 मतलब I2 करंट जो है वो इस सेक्शन के अंदर से जा रही है। तो I2 के लिए आपको देखना होगा कि जंक्शन ए में जब I2 की इक्वेशन आपने लिखा तो क्या लिखा, देखिए ये है I2 का इक्वेशन, वी ए माइनस वी नॉट अपॉन थ्री, दिस इज द इक्वेशन फॉर I2 जो हम लोगों ने बनाया था उस समय। तो करना बस कुछ नहीं है, आपको इसी के अंदर इक्वेशन में लिखना है करंट थ्रू 3 ओम और करंट I2 इज इक्वल टू वी ए माइनस वी नॉट अपॉन थ्री। भाई I2 के लिए यही क्वेश्चन लिखा हुआ था हम लोगों ने, लेकिन उस समय VA की वैल्यू नहीं पता थी, अब VA की वैल्यू पता है। तो एक काम करते हैं, VA की वैल्यू को पुट कर देते हैं, V नॉट इज ऑलरेडी जीरो, सो नाउ वी कैन राइट इट एज करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू VA का मतलब 1.333 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड कर दीजिए, जो करंट की वैल्यू मिलेगी आपको दैट करंट शुड बी द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। तो डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू मिलती है, इट इज 0.44 एम्पीयर। तो अब हम फाइनली यहाँ लिख सकते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज 0.44 एम्पीयर्स एंड दिस बिकेम आवर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आपका आ गया फाइनल आंसर। तो क्या क्या किया एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए, सबसे पहला काम इंडिविजुअल जंक्शंस को आइडेंटिफाई करना, दूसरा वर्क जंक्शन को उनकी पोटेंशियल्स असाइन करना, साथ ही साथ रेफरेंस जंक्शन भी आइडेंटिफाई करना और उसकी वैल्यू को जीरो के बराबर रखना, थर्ड वर्क हर जंक्शन से करंट्स को आउटगोइंग अज्यूम करते हुए KCL इक्वेशन फ्रेम करना, KCL इक्वेशन यानी ओम्स लॉ के फॉर्म में फ्रेम कर सकते हैं आप। नेक्स्ट उसके बाद जितनी इक्वेशंस बनती हैं अननोन्स के फॉर्म में उन सभी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जंक्शन की पोटेंशियल की वैल्यूज कैलकुलेट करना और उन पोटेंशियल्स का यूज करके क्वेश्चन में पूछी हुई क्वांटिटी को कैलकुलेट करना। दिस वॉज द एंटायर अप्रोच फॉर KCL ऑन एनी गिवन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एंड दिस वॉज फर्स्ट वरायटी ऑफ न्यूमेरिकल ऑन KCL। अब इसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको सेकंड वरायटी ऑफ न्यूमेरिकल ऑन KCL पे, जहां पे एक करंट सोर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी गिवन ब्रांच में, और तब देखेंगे हम लोग कि वहां पे KCL में क्या चेंजेस आएंगे, वहां कैसे अप्लाई करना है इसको।
तो आइए देखते हैं KCL के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं KCL के सेकंड वैरायटी का पहला न्यूमेरिकल, वैरायटी 2। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेकंड वैरायटी के अंदर स्पेशल क्या है, डिफरेंट क्या है पिछले वैरायटी से। स्पेशल और डिफरेंट ये चीज है कि देयर इज अ करंट सोर्स इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट, सो इंक्लूडिंग द वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंसेस, देयर विल बी अ डेफिनेटली अ करंट सोर्स ऑल्सो प्रेजेंट इन एनी ऑफ द ब्रांच ऑफ द सर्किट। इसको कैसे डील करना है हम लोगों को, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में रीड करता हूं आपके लिए, फिर आपको बताऊंगा ग्रेजुअली कि कैसे आपको स्टेप्स अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन इज, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन 4 ओम ब्रांच। दिस इज द 4 ओम ब्रांच, ये ब्रांच है जहां 4 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लिखा हुआ है नोडल एनालिसिस यूज करना है और करंट फाइंड करना है आपको यहां पर भी। तो करंट फाइंड करना है, नोडल एनालिसिस का यूज करना है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं आप याद कर सकते हैं एक बार, व्हाट वाज आवर स्टेप नंबर 1। अकॉर्डिंग टू आवर स्टेप नंबर 1, वी नीड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जंक्शंस प्रेजेंट इन द सर्किट, एक्टिव जंक्शंस। कितने जंक्शन दिखते हैं आपको यहां पे, सबसे पहले दिस पॉइंट, दिस इज नॉट अ जंक्शन, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यस इट इज अ जंक्शन, तीन ब्रांचेस कंबाइन हो रही है तो डेफिनेटली इट इज अ जंक्शन। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यस दिस इज ऑल्सो अ जंक्शन, यहाँ पे भी तीन ब्रांचेस कंबाइन होती हुई दिख रही है। एंड देन अब मैं फिर से अलग से नहीं बनाऊंगा इस सबको, एक साथ कंबाइन करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब तक आप सीख जाएंगे इस चीज़ को कि आप इन सभी को अज्यूम कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये सब के सब एक ही सिंगल पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं पे भी यहाँ लिख सकते हैं रेफरेंस जंक्शन वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ था कि जब आपने जंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, देन असाइन द जंक्शन वोल्टेजेस टू ईच जंक्शन। सो नाउ असाइनिंग द जंक्शन वोल्टेजेस टू ईच जंक्शन, अगेन इस पर्टिकुलर जंक्शन पे मैं लिख सकता हूँ इसकी जंक्शन पोटेंशियल होगी वी ए, इस पर्टिकुलर जंक्शन पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इसकी जंक्शन पोटेंशियल को मैंने अज्यूम कर लिया वी बी, और ये दोनों पोटेंशियल्स किसके रिस्पेक्ट में है, वी नॉट इक्वल टू जीरो के रिस्पेक्ट में, दिस इज आवर रेफरेंस पोटेंशियल। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, असाइन द जंक्शन करंट्स फ्रॉम ईच जंक्शन फॉर ऑल द ब्रांचेस इन आउटगोइंग डायरेक्शन। हमको ये करना है कि हमको हर एक जंक्शन से जितनी भी ब्रांचेस जुड़ी हुई है सब पे ये मानना है कि सारी करंट्स उस जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है। तो असाइन कर लेते हैं एक बार क्विकली, फॉर जंक्शन ए लेट अस असाइन द वेरी फर्स्ट करंट एज I1, देन सेकेंड करंट I2 एंड देन थर्ड करंट I3, ठीक है। सिमिलरली फॉर जंक्शन बी लेट अस असाइन द फर्स्ट करंट एज I4, सेकेंड एज I5 एंड थर्ड एज I6। छः करंट, छः ब्रांचेस, अब हमको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम KCL अप्लाई करना है जंक्शन ए पे, तो आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। सोल्यूशन में लिखा देयर आर टू जंक्शंस, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अप्लाइंग KCL एट जंक्शन ए, जंक्शन ए पर KCL अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं जंक्शन ए पे KCL अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहली करंट I1, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये I1 करंट कहाँ से ओरिजिनेट हुई, जंक्शन ए से ओरिजिनेट हुई, और कहाँ तक जा रही है, वी नॉट तक जा रही है, उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में। सो नाउ फॉर I1 वी कैन राइट इट एज ओरिजिनेटेड फ्रॉम VA, therefore पॉजिटिव VA, अप टू V0, therefore नेगेटिव V0, और बीच में 20 वोल्ट का सोर्स है। आप फिर से क्लियरली देख सकते हैं ये I1 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में अगर ये फ्लो कर रही है तो आप देख सकते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल अगर ये करंट जा रही है तो आप लिखेंगे यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू -20, विच विल बी कंसिडर्ड एज अ वोल्टेज ड्रॉप अपॉन ऑल द रेजिस्टेंसेज प्रेजेंट इन दैट ब्रांच। देर इज ओनली वन रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, सो राइटिंग इट एज डिवाइडेड बाई 3। देन फॉर करंट I2, करंट I2 इज फ्लोइंग फ्रॉम VA अप टू V0, सो वी कैन राइट इट एज VA-V0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस करंट I3 दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम VA गोइंग अप टू VB, सो इट कैन बी रिटन एज VA-VB। देख लेते हैं एक बार, कोई वोल्टेज सोर्स बिल्कुल नहीं अवेलेबल है यहाँ पे, सो अपॉन द रेजिस्टेंस दैट इज 5 ओम इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को, एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं 60, वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो देखते हैं यहां पे 20 VA, अब इस बार मैं V0 की वैल्यू नहीं लिखूंगा क्योंकि V0 ऑलरेडी 0 है, तो डायरेक्टली हम लोग प्रॉपर इक्वेशन फ्रेम करते हैं 20 VA माइनस 400 प्लस 15 VA प्लस 12 VA माइनस 12 VB इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब इसके बाद फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 60 को उस साइड भेजा 0, फॉर वी ए वी आर हैविंग 20, 15 एंड 12, दैट इज 47 वी ए, देन फॉर वी बी वी आर हैविंग ओनली 12, देयरफॉर इट इज -12 वी बी, और कांस्टेंट टर्म को उस साइड भेजते हैं तो एक ही कांस्टेंट टर्म है 400, सो वी कैन राइट इट एज +400, एंड दिस बिकेम आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया अपना पहला इक्वेशन। नाउ अगेन डूइंग द सेम थिंग फॉर जंक्शन बी, अब जंक्शन बी के लिए भी हमको सेम काम करना है, और तब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप 1 एम्पियर वाले सोर्स की ब्रांच पे आएंगे तब उस ब्रांच का क्या करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, अप्लाइंग केसीएल एट जंक्शन बी, जंक्शन बी पे केसीएल अप्लाई करते हुए सबसे पहले वैल्यू ऑफ आई फोर, सो फॉर वैल्यू ऑफ आई फोर आप देख सकते हैं इट इज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वी बी अप टू वी ए, देयर फोर वी कैन राइट इट एज वी बी माइनस वी ए अपॉन 5 प्लस आई फाइव करेंट, सो वी कैन राइट इट एज वी बी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई 5 प्लस, अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप देख सकते हैं आई सिक्स करेंट, इट इज अ ब्रांच करेंट विच इज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वी बी एंड इट इज गोइंग अप टू वी नॉट। सिमिलरली ऑन दैट सेम ब्रांच वी आर हैविंग 1 एम्पियर करेंट सोर्स, ये भी ओरिजिनेट हुआ वी बी से और अप टू वी नॉट सेम रहेगा, इसके बाद ये चेंज हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू इस ब्रांच पे आप देखेंगे नेट करंट, क्योंकि सीरीज में करंट कभी चेंज नहीं होती है, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ नेट करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच, यू कैन क्लियरली से द नेट करंट आई सिक्स इज 1 एम्पियर, इस पूरी ब्रांच की करंट 1 एम्पियर ही रहने वाली है। सो फॉर दैट राइटिंग द वैल्यू ऑफ आई सिक्स एज 1 एम्पियर, वी डोंट नीड टू राइट इट इन फॉर्म ऑफ के सी एल और ओम्स लॉ, वी कैन राइट इट एज डायरेक्टली 1 एम्पियर, इसमें कोई वी वाई आर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओम्स लॉ हम तब अप्लाई कर रहे थे जब हमारे पास डायरेक्टली करंट सोर्स नहीं था, डायरेक्टली उस ब्रांच की करंट नहीं गिवन थी। अब यहाँ पे हमको डायरेक्टली उस ब्रांच की करंट दे रखा है, और करंट की डायरेक्शन को बस आप कंसिडर कीजिएगा कि अगर ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होती हमारे अज्यूम किए हुए डायरेक्शन से, तब आप इसको -1 लिखते। फिलहाल इस कंडीशन में आई सिक्स और 1 एम्पियर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर वी हैव रिटन इट एज +1, तो यही करना है हमको इस टाइप के अंदर। टाइप टू क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्रांच की करंट आपको दे दी जाती है और वो करंट आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच में डायरेक्टली मेंशन करनी है, बस उसका साइन कन्वेंशन ध्यान रखते हुए, उसकी डायरेक्शन ध्यान रखते हुए। तो इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं, सो वी बी माइनस वी अपॉन 5, वी बी माइनस वी नॉट अपॉन 5 +1 फॉर करंट एंड इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस पूरे को, इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं जल्दी से, एलसीएम इज 5, वी कैन राइट इट एज वी बी माइनस वी ए प्लस वी बी, वी नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, +5 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी कैन राइट, अब देखिए वी ए की वैल्यू एक ही वी ए है तो -1 वी ए लिख सकते हैं इसको, प्लस वी बी वी आर हैविंग 2 वी बी इज इक्वल टू -5 एंड दिस बिकेम आवर सेकेंड इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट। अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं 2 इक्वेशन फिर से आ चुके हैं हमारे पास, 2 जंक्शंस 2 इक्वेशंस अवेलेबल हैं, दोनों जंक्शन के इक्वेशंस के अंदर 2 अननोन्स भी अवेलेबल हैं, इन्हीं अननोन्स की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो एक बार मार्क कर लेते हैं क्या क्या इक्वेशन है। अवर फर्स्ट इक्वेशन इज 47 वी ए माइनस 12 वी बी इज इक्वल टू 400, सेकेंड इक्वेशन इज -VA प्लस 2 वी बी इक्वल्स टू -5। नाउ सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस, तो लिख लेते हैं, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वी गेट द वैल्यू ऑफ वी इज इक्वल टू 9.02 वोल्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ वी बी इज इक्वल टू 2.012 वोल्ट्स। देखिए वी और वी बी दोनों जंक्शन की पोटेंशियल फिर से आ चुकी है हमारे पास, सेम मेथड जैसे हम लोगों ने पिछली बार कैलकुलेट किया हुआ था बिल्कुल वही काम यहाँ भी किया हुआ है। तो वी ए वी बी की वैल्यू निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप, एक बार क्वेश्चन को आप फिर से चेक कर लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन 4 ओम ब्रांच, सो दिस इज द करंट इन 4 ओम ब्रांच, यू कैन क्लियरली सी दिस इज द करंट I2 फ्लोइंग थ्रू दैट 4 ओम ब्रांच। तो 4 ओम ब्रांच में I2 के लिए आपने जो इक्वेशन लिखा हुआ था दैट इज वी ए माइनस वी नॉट अपॉन 4, इसी में वी ए की वैल्यू बस पुट करनी है आपको और करंट निकल के आ जाएगी। तो सीधे सिस्टमेटिकली इसको लिखते हैं, करंट थ्रू 4 ओम ब्रांच इज इक्वल टू I2 करंट
जिसके लिए इक्वेशन लिखा हुआ था वी ए माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई 4। ये इक्वेशन बनाया हुआ था हम लोगों ने। वी ए की वैल्यू बस पुट कर देते हैं इसके अंदर, सो वी कैन राइट इट एज द करेंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इज वी ए दैट इज 9.02 डिवाइडेड बाई 4 एंड अल्टीमेटली द करेंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इज 2.255 एम्पियर्स। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर वी ए की, डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको करंट यहाँ पे 2.255 एम्पियर, और यही सेम चीज़ क्वेश्चन में भी आपसे पूछा हुआ है। सो नाउ दिस बिकम्स आवर फर्स्ट आंसर और फाइनल आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। सो देखिए, देखा आप लोगों ने कि इतना ईजी था KCL से क्वेश्चन सॉल्व करना, बिल्कुल ईजी है इसको अप्लाई करना, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज होने का कोई चक्कर नहीं है, कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई पॉइंट ही मुझे नहीं दिखता है कि KCL में कोई स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाए। बिल्कुल ईजी है, बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको एक एक पर्टिकुलर जो टर्म हम यहाँ यूज़ करते हैं वो पता होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच आपका होना चाहिए, और जितने स्टेप लिखे हुए हैं वो सब आपके माइंड में चलते रहने चाहिए जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बस इसके बाद कहीं कोई गलती होने के कोई चांसेस नहीं है, बिल्कुल ईजिली आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं KCL से क्वेश्चन, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि टफ है तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इजिली बना सकते हैं इसके क्वेश्चन। एक बार क्विकली फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहला काम किया जंक्शन आइडेंटिफाई किया, इंडिविजुअल जंक्शन की वैल्यू असाइन कर लिया, रेफरेंस जंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, देन इसके बाद हर जंक्शन से करंट्स आउटगोइंग डायरेक्शन में अप्रोच करते हुए हर जंक्शन के लिए हम लोगों ने ऐसे KCL इक्वेशन फॉर्म कर लिया। जैसे दो अननोन जंक्शन दिखे तो दो KCL इक्वेशन भी आ गए हमारे पास। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जंक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, और उन्हीं पोटेंशियल का यूज़ करके क्वेश्चन में गिवन या डिजायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट KCL। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, और KCL के क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए इसके क्वेश्चंस को। अप्रोच आप ये यूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप अप्रोच और यूज़ कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपके ऊपर है आप। लेकिन ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा, और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बुक्स के बारे में बताया हुआ है, तो बेटर होगा कि अगर आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो जैन एंड जैन की बुक अगर आपके पास होगी तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा चीज़ है। गेट अकेडमी पब्लिकेशंस की बुक भी है हमारे पास, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस के कंपाइलेशंस हैं, और आप हमारे वीडियोस को भी रेफर करते जा सकते हैं। इसी के साथ अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा, आप जिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप सुनना या जानना चाहते होंगे शायद मैंने हो सकता है इस वीडियो में कवर किया होगा उसको जो आप जानना चाह रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा आप, क्योंकि अगले वीडियो में हम जाने वाले हैं थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम, यानी सर्किट सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स के अंदर जाने वाले हैं, नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम में जाने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, और उस पे जाने से पहले चूंकि हम लोग वहाँ पे KVL का अप्रोच यूज़ करने वाले हैं, इसलिए बेटर ये होगा कि आपका KVL का कंसेप्ट क्लियर हो। नहीं देखा अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो तो बिल्कुल देख सकते हैं, उसे भी रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम, और बात करेंगे अपने इसी सेम मॉड्यूल 1 के अंदर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।